अस्सलाम वालेकुम। सो फाइनली वी आर बैक टू अनदर वीडियो, और इस वीडियो में हम थोड़ा कंपैरिजन करने वाले हैं V7.33 के साथ। और V7.32 आप सबको पता है कि पुरानी अपडेट थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपडेट रही है एंड्रॉयड 12 में। सो मैं इन दोनों पर अभी कंपैरिजन करूँगा और आप सबको बताऊँगा कि कौन सी ज़्यादा बेस्ट अपडेट रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि एंड्रॉयड 11 बिल्कुल भी बेस्ट नहीं थी, वो काफ़ी ज़्यादा लैग, डिवाइस हीटअप और बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो रही थी। सो इसके बाद जो अपडेट आई थी एंड्रॉयड 12 आई थी, काफ़ी देर बाद आई थी, मतलब तकरीबन एक साल बाद आई थी वो अपडेट। इन्होंने अपडेट रिलीज़ कर दी और उसके बाद जो एंड्रॉयड 12 की V7.32 थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, मतलब डिवाइस लैग, हीटअप और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सॉल्व हो चुकी थी उसमें। पर उसके बाद कुछ महीने बाद, मतलब एक महीने बाद और इस तरह टाइम बाद एक और अपडेट आ गई है जो कि V7.33 है। और ये अपडेट बिल्कुल भी मैंने नहीं करनी थी, ना ही मेरी डिवाइस में आ रही थी। सो यहाँ पे रेड मैजिक के स्टोर पर अवेलेबल थी ये, मतलब आप अपडेट कर सकते हैं वहाँ से भी। सो यहाँ पे 7.32 थी और 7.33 की अपडेट जैसे ही आई, मैंने सोचा क्यों ना ये अच्छी होगी, कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस अच्छी होगी। पर इसमें मुझे दो चीज़ें देखने को मिली हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मुझे इरिटेट करी। एक तो मेरी MS जो है विदाउट एनी रीज़न खुद ब खुद हाई हो जाती है, मतलब गेम के बीच में हाई हो जाती है। ये जो है मैंने एक दो मतलब अपने सब्सक्राइबर्स से पूछा है, उन्होंने भी सेम यही कहा कि ये इशू 7.33 में आ रहा है कि हमारी जो MS है वो डायरेक्टली हाई हो जाती है। और दूसरा ये कि लो बैटरी पर मतलब 40% और 45% पर हमारी डिवाइस लैग होना स्टार्ट कर देती है, मतलब अरेबिक लॉबी हो, मैं तो खेलता ज़्यादातर अरेबिक लॉबी, और दूसरा ही साथ में अगर आप सिंपल लॉबी भी खेलते हैं तो पूरा स्क्वाड अगर पुश कर दे तो उसके बाद आपको V7.33 अपडेट तो बिल्कुल भी नहीं बचाने वाली, क्योंकि पूरा स्क्वाड हो अरबियों का और MS हाई हो तो आप सब ने किस तरह उसको फाइट करनी है जब डिवाइस आपकी लैग हो रही होगी। 90 FPS की डिवाइस हो और वो भी लैग हो तो इस तरह बिल्कुल भी आप उनको डिफीट नहीं कर सकते इस तरीके से, जब तक आपकी डिवाइस बिल्कुल अच्छी तरीके से वर्क ना हो, आपका इंटरनेट सही चल रहा ना हो। मेरा इंटरनेट तो बिल्कुल सही चल रहा है क्योंकि मैं 7.32 में भी यही इंटरनेट यूज़ कर रहा था और यही स्पीड थी, पर मुझे कोई ऐसा इशू देखने को नहीं मिला। पर मैंने फील किया कि 7.33 अपडेट बिल्कुल भी सही नहीं है, जो कि डिवाइस को मेरा हीटअप भी कर रही है और दूसरा ये लैग भी स्टार्ट कर दिया। सो आप सबको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप सब भी 7.32 अपडेट पर रहें। 7.33 मुझे तो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं लगी और ना ही हम इसको दोबारा बैक कर सकते हैं। सो 7.32 काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल परफेक्ट थी मेरे ख्याल में। सो मैंने तो गलती कर ली है, अब आप सबको भी मैं रिकमेंड कर देता हूँ कि अगर आप सब ने यह गलती नहीं की सो आप सब ये गलती बिल्कुल भी मत करना इसको 7.33 अपडेट करने में। और यूरोप की अपडेट है, एशिया की है, अगर आपके पास यूरोप की है 7.32 तो वो ज़्यादा बेस्ट है, अगर एशिया की भी 6.32 है तो वो भी ज़्यादा बेस्ट रहेगी। सो 7.32 करना बिल्कुल भी, मतलब मेरे तो ख्याल में ये है कि बिल्कुल भी बेस्ट नहीं रहेगा। सो ये थी आज की वीडियो, और इसके अलावा ये जो है रेड मैजिक VS iPhone XS Max की वीडियो है। इसमें ये है कि मैं बिल्कुल रियल डिवाइसेस की वीडियोस डालता हूँ, मैं इस तरह भी डाल सकता हूँ कि VS iPhone 14 Pro Max, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं डालनी चाहिए वीडियो में, ना ही डालता हूँ। पर ये जो ओपोनेंट है मैं इसका बता देता हूँ कि ये XS Max यूज़ कर रहा था और जो मेरी डिवाइस थी वो 6S Pro है। सो मैं बिल्कुल परफेक्ट डिवाइस ही डालता हूँ ताकि आप सबको भी मतलब बिल्कुल रियल कंटेंट मिले और सही तरीके से गाइड मिले। सो ये थी आज की वीडियो, आई होप सो आप सबको पसंद आई होगी, और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताना कि आप सब ने अपडेट कर ली है या नहीं।